प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं लड़की हूँ, प्रॉब्लम ये है कि लड़कों की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम लड़कियों को ब्लेम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वैसे भी अगर मेरे लड़कियों से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो भाई गर्लफ्रेंड बनाया क्यों, कोई बॉयफ्रेंड ही ढूंढ लेता। वैसे भी ऑल यू गाइज नीड इज योर फकिंग गाय टाइम, तो ठीक है ना, बंदे बताओ सब यार कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां? रिलेशनशिप का मतलब ही होता है इनटू योर ओन हैप्पीनेस। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही बोल देता हूँ बात नहीं कर सकता, कितना मुश्किल है बात समझना। दो मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे दो मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे हम इनकी गर्लफ्रेंड नहीं इनके लैंडलॉर्ड हो, इनसे जरा बात करने को बोल दो। रिएक्ट ऐसे करेंगे जैसे इनके महीने भर की सैलरी मांग ली। अरे भाई इतना भी क्या बिजी हो कि दो मिनट बात नहीं कर सकते? बनेंगे ऐसे जैसे दुनिया का सारा काम यही कर रहे हैं। एक टेक्स्ट कर दो 10 घंटे बाद रिप्लाई आएगा। चलो कोई नहीं, फिर भी हम सोचेंगे अब तो कुछ ढंग का लिखा होगा, कुछ रोमांटिक लिखा होगा, और लिखा क्या होता है? ओके व्हाट द फक। ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे मोदी के बदले कोई काम यही कर रहे हैं। सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है, भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या कि आदमी सोने से पहले दो मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप? और चलो इन्हें सुलाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाऊं, लेकिन सोते सोते रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उठने के साथ इन्हें फिर से बात करनी है? और ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनका सबसे बड़ा छुटियापा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। पागल हो क्या? सेक्स इसलिए क्योंकि इट्स अल्टीमेट क्लाइमैक्स, को क्लाइमैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? यू नो कभी-कभी तो मुझे लगता है दे वांट यू टू टॉक देम टू ऑर्गेज्म। और दुनिया भर का सारा प्यार तब जागेगा जब इन्हें सेक्स करना हो। हम तो इसी चीज के लिए बने हैं ना। और इनकी फरमाइशें, बेबी लेट्स टॉक डर्टी, बेबी वीडियो चैट, हैंड जॉब, बेबी ब्लो जॉब, भैंचोद, ऑर्गेज्म फेक करते करते मैं खुद ही फेक हो गई हूँ। अच्छा सेक्स करने से पहले 1000 प्यार की बातें, बेबी आई लव यू, बेबी कपड़े धीरे धीरे उतारो ना, और अगर वही कपड़े सेक्स के बाद पहनने में थोड़ी सी देर हो जाए तो क्या यार तुम्हें रेडी होने के लिए पूरा दिन चाहिए? साली शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले कुशन जाए फिर कर्टेन जाए, फिर कुशन कर्टेन से मैच नहीं किया तो और कुशन जाए। साले मग इतने हैं मेरे यहाँ कि उन्हें बेचने जाऊं तो महीने का खर्चा निकल आए। एक तो जो चीज खरीदने जाएंगे वो चीज खरीद के नहीं आएंगे, 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है, 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी से चप्पल उठा के लाएंगे, और फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारी शॉपिंग से क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो दिन भर दूसरी लड़कियों को घूर घूर के बोलेंगे बेबी ऐसे ड्रेसअप हुआ करो, बेबी वैसे ड्रेसअप हुआ करो, मेरी चॉइस के कपड़े पहना करो, और जब इन्हें अपने साथ शॉपिंग पे ले जाओ तो बंदर जैसी शक्ल बना के उल्लू की तरह किसी कोने में खड़े रहेंगे। और वैसे भी दीज गाइस शुड थैंक अस, क्योंकि इनके घर में जितना भी थोड़ा बहुत सामान है ना वो हमारी वजह से, वरना किसी सिंगल लड़के के घर चले जाओ एक लैपटॉप और एक लोशन के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं तुझे बता रहा हूँ, यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज़ दे कॉल इट अ डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में तो तू बॉस उनसे जीत ही नहीं सकता, बिकॉज हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सेंस इसी बेकार सी चीज की वजह से वो आर्ग्यूमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे आर्गुमेंट आज होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद, यहाँ साला याद भी नहीं होता है 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां बचा के रखती है, ये छोटा हथियार नहीं ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। अरे तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने की, तुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट से तू अपनी बात को साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी उंगली नीचे करो, तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन द गटर, और मुद्दा ये रह जाएगा हाउ डेयर यू पॉइंट अ फिंगर एट मी, किसने बनाए रूल, किसने? साला वो बीच आर्गुमेंट में तुम्हें जूता फेंक के मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट कर दो सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। जहाँ किसी बात पे आर्गुमेंट हो जाए और इन्हें पता चल जाए कि गलती इनकी है जो कि 90% ऑफ द टाइम होती है, वहाँ इनका रोमांटिक मोड ऑन हो जाता है। अगर प्रॉब्लम शेयर करो तो बोलेंगे तुम तो हर छोटी छोटी चीज पे टेंशन लेती हो, एक्ट लाइक अ मैच्योर्ड गर्ल, और अगर प्रॉब्लम शेयर ना करो तो बोलेंगे तुम तो कुछ शेयर ही नहीं करती, हमें कैसे पता चलेगा दैट योर मूड इज ऑफ, तो भेजो गेस करने के लिए बोला किसने, व्हाई कांट यू जस्ट माइंड योर ओन फकिंग बिजनेस। देखो ना कोई खुश नहीं रख सकता, अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ, तू बैटमैन वाली को देख ले, सदा जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, ना कारा हो ना पुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोली तुम तो बैटमैन बन गए, अरे मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। इन्हें भाव दो तो चेप हो रहे हैं, भाव देना बंद करो तो रोना चालू। तुम्हें पता है पहले ना राजाओं की 3-4 बीवियां हुआ करती थी और बंदे सबको बैलेंस करके रखते थे, यहाँ आजकल के लड़कों से एक नहीं संभलती। यू नो व्हाट, अ मैन सैटिस्फाइंग अ वुमन इज अ मिथ।